हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे मैकेन स्टाइल क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स, जिसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, क्लीन बाउल रखा है, कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिसके कॉर्नर्स कट कर लिए हैं, धनिया पत्ती ली है, कॉर्नफ्लावर लिया है, ऑरिगेनो, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक भी लिया है। इस बाउल में मिक्सचर बनाएंगे, तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू के छिलके को पील ऑफ करके इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है। अब ये जो मैश किए हुए आलू हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इस बाउल में। पोटैटोज को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि आपको मिक्सचर रेडी करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, पोटैटोज को हमने ट्रांसफर कर दिया है बाउल में। अब ये ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसको हम लोग रफली इस तरीके से पीसेस में तोड़ लेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमने इसको भी मैश करना है पोटैटोज के साथ, तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसके पोटैटोज में अब आप अच्छे तरीके से इसको मैश करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हमारे तकरीबन सारे ही हो चुके हैं। अब टाइम आता है इसको आलू के साथ मैश करने का। इसका एक अच्छा सा मिक्सचर हम रेडी करेंगे, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे फॉर द फ्लेवर एंड बाइंडिंग। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसके बाद बारी आती है इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करने की, ठीक है। कॉर्नफ्लावर से जो है वो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है। आप बाइंडिंग के लिए राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया, थोड़ा सा, तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है। अब मसाले ऐड करते हैं। यहाँ मैंने यूज़ किया है सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया और यहाँ डाल दिया थोड़ा सा ऑरिगेनो। बस मसाले सारे डल चुके हैं, अब डालेंगे धनिया पत्ती, जिससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है, प्लस डिश जो है हमारी दिखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी हेल्दी हो जाती है। ऑलराइट, इन सभी को हम करेंगे अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। पानी ऐड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है इस मिक्सचर के लिए। बस देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को, मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हमने एक टाइट डो प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। ऑयल ऐड करेंगे तो ये आपके और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं, ये जो हमारा डो है अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, प्रॉपरली बाइंड हो गया है ना। ये देखिए, मैं आपको क्लोजअप इसका दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा डो प्रिपेयर हुआ है, सी दिस, है ना। अब इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप मिक्सचर लेंगे। जिस साइजेस में आपने बॉल बनाने हैं, छोटे या बड़े, उसके अकॉर्डिंग आप मिक्सचर को हाथ में लेंगे और कुछ इस तरीके से, जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना या टिक्की बनाते हैं, उस तरीके से आपने इसको पहले तो अच्छे तरीके से गोल शेप देनी है, जस्ट लाइक अ बॉल, और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हल्का सा टिक्की की फॉर्म में। तो ये आपका बहुत अच्छे जो है वो क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स बनके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए क्लोजअप, इसी तरीके से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ डिज़ाइन ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे स्नैक्स जो हैं वो दिखने में तो अच्छे लगेंगे, साथ में ये और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, फोक की मदद से मैंने इस पर एक अच्छा सा डिज़ाइन दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकल शेप में किया है, आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिज़ाइंस को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे ये बन के रेडी हुए हैं। आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल हमने रखा है, ये हमारा मीडियम गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो सारे ही बाइट्स को हमने इसमें डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और इसको 2 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसको पलटेंगे, एकदम से नहीं पलटना है, ये टूट भी सकते हैं। हाँ, 2 मिनट फ्राई होने के बाद इसको देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल आपने स्लो प्रोसेस इसका फॉलो करना है और वन बाय वन इन सभी को टर्न करना है। एक साइड से ये थोड़े थोड़े देखिए सिक चुके हैं, ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेना है। पहले ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे अच्छा सा एक जो गोल्डनिश ब्राउनिश कलर है वो देखिए दोनों साइड पे हमारा आ चुका है, बट हमें इसको अच्छे से सेकना है ताकि खाने में जो है हमारी वो क्रिस्पीनेस जो है वो फील हो, ठीक है।
दोनों साइड से इसको दो दो तीन तीन मिनट बाद आपने पलट के अच्छे से सेक लेना है, ताकि इसके कॉर्नर्स और अंदर तक जो है वो ये प्रॉपरली सिक के रेडी हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जब ये हल्का ब्राउन शेड में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, दैट मीन्स ये अब परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं, प्रॉपरली सिक चुके हैं। इसको ज़्यादा नहीं, हमने इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो काले हो सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, एंड आई एम श्योर आप सभी के मुंह में पानी आ चुका होगा। एंड आप खुद बताइए, ये रेसिपी है ना बनाने में बिल्कुल आसान, ये झटपट से बनने वाले स्नैक्स हैं, मिनटों में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। फ्रोजन फूड की तो अब हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि हम इसको घर पे बहुत आराम से बना के खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।